पिछले लेक्चर में हमने फर्टिलाइज़र के टाइप्स को देखा था। अब हम फर्टिलाइज़र सोल्युबिलिटी एंड देयर कंपैटिबिलिटी के बारे में देखेंगे। फर्टिलाइज़र सोल्युबिलिटी एंड देयर कंपैटिबिलिटी। फर्टिलाइज़र के सोल्युबिलिटी और इसके अनुकूलता और संगतता की बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र सोल्युबिलिटी। जब हम यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर में जितना भी फर्टिलाइज़र्स हम अप्लाई करते हैं, डालते हैं, वो जितना डिसॉल्व हो जाता है वो हमारा होता है फर्टिलाइज़र सोल्युबिलिटी। दैट मीन्स कि द क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइज़र दैट कैन बी डिसॉल्व इन यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड द सोल्युबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र। नॉर्मली नाइट्रोजन एंड पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स डू नॉट हैव अ सोल्युबिलिटी प्रॉब्लम, बट phosphatic fertilizer such as DAP, that means diammonium phosphate, SSP, single superphosphate, do not readily dissolve in water. Solubility is affected by the temperature variation. जो solubility की बात करते हैं तो यह temperature पे भी affect करता है। अब इसके कुछ examples को देखते हैं कि कैसे हम मिक्स कर सकते हैं और कौन कौन सा जो केमिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं अगर हम अप्लाई करते हैं मिक्स करके। अगर फॉस्फेट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो अगर हम फॉस्फेट के साथ कैल्शियम को मिक्स करेंगे तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा, पर ये वाटर के साथ इनसॉल्युबल होगा। सेकेंड, हम फॉस्फेट अमोनियम और मैग्नीशियम को जब एक साथ मिक्स करते हैं तो मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनता है, ये भी इनसॉल्युबल होता है। अब फॉस्फेट आयरन की बात करते हैं तो आयरन फॉस्फेट भी इनसॉल्युबल होता है। एंड देन हम बात करेंगे अब एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट कंपैटिबिलिटी। जब हम दो या दो से अधिक सॉल्युबल फर्टिलाइज़र को एक साथ मिलाते हैं तो यह रिएक्ट करके कुछ और, मतलब रिएक्शन कुछ और हो जाता है और अलग केमिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो प्लांट के लिए कई बार जो सही नहीं होता है प्लांट के लिए। इसीलिए हमें सेपरेट टैंक में प्रिपेयर करना चाहिए। अगर दो या दो से अधिक फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट में देने के लिए तो हमें अलग अलग टैंक की यूज़ करके हमें सेपरेटली उसे वाटर के साथ मिक्स करना चाहिए। इंटरेक्शन बिटवीन फर्टिलाइज़र्स न्यूट्रिएंट कंपैटिबिलिटी। जो भी फर्टिलाइज़र सॉल्यूशन हम तैयार करते हैं या जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें मिलता है डिफरेंट मटेरियल्स के द्वारा, वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए कि जो भी सॉल्यूशन के बाद हमें मिलेगा वो प्लांट के लिए सही है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कैल्शियम नाइट्रेट की जब हम बात करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट को जब हम सल्फेट के साथ यूज़ करेंगे तो ये जिप्सम में रिएक्ट हो जाएगा, जिप्सम का फॉर्मेशन कर देगा। तो जिप्सम हमें प्लांट में चाहिए या नहीं चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। इसके अनुसार से हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो इसके अनुसार से ही हम बनाए हैं कि क्या फॉर्मेट करेगा ये। सेकंड, हम कैल्शियम नाइट्रेट की को देखते हैं तो ये एनी टाइप ऑफ फॉस्फेट के साथ जब इसे हम मिक्स करते हैं तो ये फॉर्मेट करता है कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट। तो ये भी हमें डिपेंड होना चाहिए कि प्लांट को ये हमें चाहिए या नहीं चाहिए। मैग्नीशियम जब मोनो अमोनियम फॉस्फेट के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट फॉर्मेट करता है।